जबलपुर में नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही श्रद्धालु देवी माता के दर्शन करने पहुंचे। वहीं दुर्गा पंडालों में भी विशेष सजावट की गई। बीते दो साल से नवरात्रि का त्योहार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार प्रदेश सरकार ने नवरात्रि त्योहार में छूट दी है, जिसके कारण श्रद्धालुओं में उत्साह है। तो जबलपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, नवरात्रि का पहला दिन मंदिरों में भक्तों का तांता। आप जानते हैं कोरोना की वजह से ये पूरे जो दो साल गुजरे उसमें हमने कोई भी त्योहार धूमधाम से या लोगों के साथ जुड़कर मिलकर इस तरह से शायद मनाना हम भूल गए थे या हमें मनाने की इजाजत भी नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे स्थितियां सामान्य हो रही है हम भी अब वापस जैसे कोरोना से पहले तमाम चीजें करते थे, चाहे त्योहारों को मनाने की बात हो या कामकाज पर जाने की। लेकिन उस बीच अब जो बदला है वो है आपके चेहरे पर ये मास्क। मैं बहुत दूर से आई हूँ, हैदराबाद से आई हूँ। लास्ट टाइम भी कोरोना में मुझे दर्शन नहीं मिले थे, लेकिन इस बार बहुत खुशी हो रही है कि माता रानी ने दर्शन दिए। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुबह के 4 बजे से माता जी जल चढ़ाने के लिए अपनी मनोकामना लेके आती है। माता जी के पास उनकी मनोकामना जब पूर्ण होती है, प्रसाद वगैरह जो भी कुछ चढ़ा के धन्यवाद माता जी का करके और प्रस्थान करती है।